आज ये प्रेस वार्ता किया है कि जिस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं कोचिंग के अगेंस्ट में, सरकार से मेरा गुजारिश है, विनम्र गुजारिश है कि इसमें कोचिंग के लोगों की बातों को भी सुनी जाए, हमारी बातें रखने का हमें मौका दिया जाए और कोई भी नियम आने से पहले उन सारी बिंदुओं पर बात किया जाए ताकि हम कोचिंग से जुड़े हुए हजारों हजार युवा कहीं बेरोजगार ना हो जाए। अभी जो बिहार सरकार का निर्णय है वो ऐसा है जैसे कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाएं, इसको बढ़ाने के लिए जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने से रोक दिया जाए। इट इज़ जस्ट लाइक कल को अगर सरकारी स्कूल में, सरकारी ऑफिस में इम्प्लॉय ना हो टाइम पे, तो उन पे कुछ कार्रवाई करने के बजाय सारी दुकानों को 9 से 4 बंद कर दिया जाए। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान को पटना के कोचिंग संस्थानों ने जो है तुगलकी फरमान बताया है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के बैनर तले तमाम पटना के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर एक साथ मिलकर जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और कहा है कि अगर सरकार इन सब चीज़ों पर फैसला नहीं लेती है, पुनः पहले की तरह अगर कोचिंग संस्थान नहीं चलते हैं तो शिक्षक तो पलायन करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ बच्चे भी बिहार से बाहर पलायन करना शुरू कर देंगे। आपको उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बिपिन सर का और कैब एसोसिएशन के जो सचिव हैं सुधीर सर का, उनका क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। आयोजित किया गया है हम लोगों के बीच में, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत का गठन कोविड के समय में हुआ था और वो विपरीत हालात में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद थोड़ी सी बात मैं ये बताना चाहूँगा प्रेस वार्ता की शुरुआत में और विस्तार में PPT के माध्यम से भी इस चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे हम सभी कि कोचिंग का जो इतिहास है बिहार में, जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था 72 से, मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले कोचिंग की शुरुआत बिहार से हुई और बिहार ने जिस तरीके से काम किया है इतने दिनों में वो एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। आप अगर देखें कि जितने सारे IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स अगर इसकी बात करें तो कोचिंग एसोसिएशन कोचिंग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोचिंग एक प्राइवेट संस्थान है जहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था दी जाती है, अनुकूल व्यवस्था दी जाती है, टैलेंटेड टीचर्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं और एक व्यवस्था देकर हम लोगों ने कोशिश किया है। आज से नहीं, 72 से दौर विपरीत आते रहे और फिर हम लोग उसमें अच्छा काम करते रहे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना कहना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरीके का माहौल है इसमें शिक्षा सर्वोपरि हम लोग मानते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार की सुविधाएँ उतनी नहीं है, शायद ये वजह से यहाँ से पलायन भी होता रहा है, यहाँ के लोगों का पलायन हुआ है, छात्रों का भी पलायन हुआ है। कोचिंग कहीं ना कहीं से इन सारे पलायन को रोकने की एक बहुत ईमानदार कोशिश कर रही है। 2005 के बाद जब बहुत पॉजिटिव माहौल बना उसके बाद कोचिंग का एक बहुत अच्छा प्रभाव दिखा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या छात्रों की रुकी है जो बाहर जाते थे और साथ ही साथ उनके सफलता भी बहुत अच्छी मिलने लगी। आज जो जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा जो नियम आए हैं कोचिंग के संदर्भ में, ये निश्चित रूप से हतोत्साह करने वाली है। जो यहाँ पे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, वो नहीं ले पाए कहीं ना कहीं से अपना जॉब, तो आज जहाँ स्वरोजगार की बातें की जाती है वहाँ पर एक शिक्षित समाज युवाओं का कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें हम अपने राज्य और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करते हैं, उस लेवल पे हम एक बेहतर योगदान निभाने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता किया है कि जिस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं कोचिंग के अगेंस्ट में, सरकार से मेरा गुजारिश है, विनम्र गुजारिश है कि इसमें कोचिंग के लोगों की बातों को भी सुनी जाए, हमारी बातें रखने का हमें मौका दिया जाए और कोई भी नियम आने से पहले उन सारी बिंदुओं पर बात किया जाए ताकि हम कोचिंग से जुड़े हुए हजारों हजार युवा कहीं बेरोजगार ना हो जाए, कहीं हमारे छात्र जो हजारों के संख्या में पलायन होते हैं, लगभग 1,00,000 बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, जिसके पलायन को रोकने की एक बहुत ईमानदार कोशिश की गई है, इसका असर भी दिख रहा है, जिसमें रोजगार का एक बहुत बड़ा सृजन हो रहा है। लगभग 7 से 8 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कोचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक हर तबके के लोग हैं। पढ़े लिखे युवाओं की संख्या एक बहुत बड़ी है, यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की व्यवस्था की जा रही है। लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रेवेन्यू को हम रोकने में कहीं ना कहीं से सक्षम हो सकते हैं अगर अनुकूल व्यवस्था हमें दी जाए।
तो ऐसी परिस्थितियां जो आई है, इसमें मेरा जो आज प्रेस वार्ता है उसमें उसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो नियम आया है, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार तक हम अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बड़ा सकारात्मक सोच के साथ सरकार हमारे बारे में सोचेगी और हम कोचिंग संस्थान को अपने शिक्षण व्यवस्था में एक सहयोगी के रूप में वो हमें स्वीकार कर हमारे जो टैलेंट्स हैं, हमारे टीचर्स के पास जो टैलेंट है और हम जो सहयोग कर रहे हैं अपने राज्य के निर्माण में, उसमें सकारात्मक सोच के साथ ऐसा कुछ निर्णय लिया जाएगा हमारे फेवर में, जहाँ पे हम युवाओं का, जो शिक्षित युवा का एक बहुत बड़ी संख्या है, हजारों की संख्या है उनका, और जो पलायन हो रहा है एक बहुत बड़ी संख्या, इस पे भी हम लोग एक बेहतर और अच्छा करके दिखा सकते हैं, अपने राज्य की स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मेरे साथ जुड़े हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत सारे जो संचालक हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। कैब एसोसिएशन जो बना है उसके अध्यक्ष महोदय हमारे साथ बैठे हैं सुधीर जी, मैं चाहूँगा कि विस्तार में आप अपनी बातें हम सब लोगों के सामने और मीडिया के सामने रखें। बाधित हुई, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि सरकारी महकमे में स्कूल में पढ़ाई जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही थी, तो कोचिंग सर्विस पे आया। अभी जो बिहार सरकार का निर्णय है वो ऐसा है जैसे कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाएँ इसको बढ़ाने के लिए, जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने से रोक दिया जाए। इट इज़ जस्ट लाइक कल को अगर सरकारी स्कूल में, सरकारी ऑफिसर्स में इम्प्लॉय ना हो टाइम पे, तो उन पे कुछ कार्रवाई करने के बजाय सारी दुकानों को 9 से 4 बंद कर दिया जाए, क्योंकि भाई दुकान नहीं खुली रहेगी तो हमारे इम्प्लॉय शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कोई नहीं जाएंगे। सी, अपनी कमजोरी पे काम करने के बजाय दूसरे जो अच्छा कर रहे हैं, जो आपके सहभागी बन सकते हैं, उनको रोकना बिहार सरकार के प्रतिभा हनन का कार्य है, ये आत्मघाती कदम है। इस पे तुरंत निर्णय होना चाहिए, समुचित रूप से निर्णय होना चाहिए और इस तरह प्रकार का निर्णय होना चाहिए कि बिहार का एक अंग जो कि इतना रेवेन्यू का स्रोत है वो अच्छे से बिहार सरकार के लिए मददगार साबित हो, प्रतिभा रुके, बढ़िया रिजल्ट आए और 1970 से कोचिंग इंडस्ट्री जो इस तरह इस लेवल तक आया, जो एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा हर स्तर पे, आज एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, इसको इंडस्ट्री का रूप दें, मान्यता दें, इसको सहयोग दें, इससे सहयोग लें, तभी समावेशी विकास संभव है, यही मेरा कहना। एक्चुअली हम लोग रेटिंग का मतलब है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप पे मतलब विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम लोग जैसे डेमोक्रेटिक में सरकार का जो आदेश है उसको हमको मानना है, दैट इज आवर डिफाइन ऑफ मतलब हम लोग का डिफिनेशन डेमोक्रेटिक। सरकार के द्वारा अगर कोई आदेश दिया गया है एजुकेशन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, तो हम सभी शिक्षकों के द्वारा, कोचिंग संचालकों के द्वारा उसका हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन जहां समझ की कमी हो रही थी, जहां पे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम था, एक गैप बना हुआ है, सरकार को ये दिखता है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, इस वजह से उनके यहाँ अटेंडेंस कम है। जबकि इस बात इससे अलग है कि वो बच्चे या तो ऑनलाइन में है या फिर पटना छोड़कर बाहर चले गए हैं। हमारे यहाँ सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कोई वैकेंसी नहीं है और हम अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास कोई भी सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। ये वही शिक्षक हैं जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। इन लोगों ने स्वरोजगार की व्यवस्था की, जिसके बारे में सरकार हमेशा कहती है कि हर लोगों को रोजगार नहीं दी जा सकती, आप स्वतः अपने रोजगार को बढ़ाएं। और उस मामले में अगर कहा जाए तो बिहार अव्वल रहा है, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था और रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी बिहार के युवाओं को क्रेडिट जाना चाहिए, सरकार की तरफ से तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि यहाँ के युवाओं ने खुद से अपने लिए रास्ता तलाशा और वो भी रास्ता सृजन का रास्ता तलाशा है। इसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं और सिर्फ शिक्षा बांट नहीं रहे हैं, इसके रिजल्टेंट को अगर आप देखें तो इतने IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर अगर बन रहे हैं तो कोचिंग की कितनी बड़ी भूमिका है। हम माननीय जो भी इसमें निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, जो भी पदाधिकारी अधिकारीगण हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार सर्वे करवाया जाए सरकारी संस्थान और कोचिंग संस्थान से पढ़ने वाले बच्चों में कितना रिजल्ट रेशियो कैसा है, बोर्ड में स्कोर करने वाले बच्चों का रिजल्ट रेशियो कैसा है। तो जैसा अभी बताया जा रहा था कि क्वालिटी को और बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे नियम का आना जरूरी है। अभी जो नियम आया है वो निश्चित रूप से सरकार की चिंता को हम लोग बहुत भावपूर्ण तरीके से उसका स्वागत भी करते हैं,
सम्मान भी करते हैं, लेकिन इस बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो गैप हो रहा है अंडरस्टैंडिंग का, इसमें हम लोगों का आग्रह है कि आपके माध्यम से सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों की तरफ से, सभी विद्यार्थी और अभिभावकों की तरफ से हम लोगों से उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि इसकी बारीकी को समझा जाए और समझ कर निर्णय लिया जाए, ताकि बिहार का सब पूरे तरीके से विकास हो, जिसमें हम आर्थिक की बात भी करें, पलायन को रोकने की भी बात करें, और हर लेवल पे हम राज्य के मजबूती के लिए तटस्थ होकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभा पाए। थैंक यू।